बीसवीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य रत्न श्री अजीत सागर जी महाराज की, शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुर सागर जी महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की आप और हम सभी का परम सौभाग्य है कि तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव से भगवान महावीर पर्यंत चतुर्वंशी तीर्थंकर भगवान ने जो धर्म प्रतिपादित किया हमारे आत्म कल्याण के लिए, उस सबको हमने प्राप्त किया है। हम सभी जैन कहलाते हैं। जैन कहलाते हैं किंतु तीर्थंकर प्रभु की वाणी का कितना हम पालन करते हैं ये हमें देखने की आवश्यकता है। आज भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याण दिवस है। आज भगवान महावीर स्वामी का, जैसा कि अभी आपने सुना है, स्वधर्म इंद्र के द्वारा सुमेरु पर्वत के पांडु वन में जन्म महोत्सव मनाया गया था। 2600 वर्ष से भी अधिक वर्ष हो गए हैं और हम महावीर जयंती के नाम से आज का दिन मनाते आ रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव भी हमारे जीवन काल में मनाया गया है। भगवान ऋषभदेव को तो हम भूल जाए भले ही, कोई बात नहीं, भगवान का नाम 24 नाम लेते तो याद आ जाता है, लेकिन भगवान महावीर के शासन में तो हम वर्तमान में विद्यमान है। और महावीर स्वामी का नाम स्मरण प्रतिदिन संध्या, तीन कालीन संध्या में भी हम याद कर सकते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने क्या किया अपने जीवन में, वे भगवान महावीर कैसे बने, हमें स्मरण आता है पुरुरा भील का, जिस भील ने एक मुनिराज का उपदेश ग्रहण करके और क्योंकि भील जाति का व्यक्ति पूर्णतया मांस का त्याग नहीं कर सकता था, इसलिए मुनिराज ने उसे कुंभी के मांस का त्याग कराया था। वो पुरुरवा भील उस छोटे से नियम के कारण सौधर्म स्वर्ग में देव बना। उसके बाद देव पर्याय से आकर के भगवान ऋषभदेव के प्रथम पुत्र भरत चक्रवर्ती का पुत्र बना मरीचि कुमार। उस समय भगवान के समोसन में दिव्य ध्वनि के द्वारा प्रश्न के उत्तर में ये आया था, भरत चक्रवर्ती ने पूछा था कि तुम्हारा भगवान आप जैसा और कौन बन सकता अपने कुल में, तो भरत चक्रवर्ती को ये उत्तर मिला था कि तुम्हारा पुत्र मरीचि कुमार अंतिम तीर्थंकर 24वां तीर्थंकर भगवान महावीर बनेगा।
क्षुद्र प्राणी अभिमान और कषाय के वश कुछ भी सोच सकता है। उस महर्षि कुमार ने अभिमान के वश ये कहा कि 24 माह तीर्थंकर बनूंगा तो किसने देखा, अभी तीर्थंकर बन के बताऊंगा। और 363 पाखंड मत का अधिष्ठाता बना वो, जिनका जैन धर्म से कुछ भी संबंध नहीं था। आज तक वो मत जो है हमको सामने देखने को मिलते हैं सुर से कुछ, किंतु महर्षि कुमार की पर्याय में जिन मिथ्या मतों का प्रचार प्रसार किया था, उसी महर्षि कुमार की आत्मा ने जब भगवान महावीर की पर्याय में जन्म लिया तो उन्हीं पाखंड मतों का खंडन करने के लिए शादवाद, अनेकांतवाद आदि का प्रतिपादन करके और उन्होंने जैन धर्म को स्थापित किया था, जो कि आज तक चल रहा है। हमारे कहने का इतना तात्पर्य है कि आप और हम सब भगवान महावीर की तरह ही इस अनादि अनंत संसार के प्राणी हैं। हमारा जन्म नहीं हुआ है लेकिन हम फिर भी इस संसार में रहते हैं। संसार में रहने वाले हम सभी प्राणी यदि भगवान के द्वारा प्रतिपादित धर्म को धारण करेंगे तो हम भी भगवान बन सकते हैं। जैसे कि पुरोरा भील ने धर्म धारण किया लेकिन अभिमानवश जो उन्होंने पाखंड मतों का प्रचलन किया था उसके कारण असंख्यात भवों तक वो नरक निगोद और तस्य स्थावर पर्यायों को प्राप्त करते रहे। तस्य स्थावर पर्याय आदि को प्राप्त करने के बाद वो जब नरक से निकल करके सिंह पर्याय को प्राप्त हुए तो सिंह की पर्याय में उन्हें चारण मुनियों से उपदेश प्राप्त हुआ। इतने लंबे समय से जो मिथ्यात्व चला आ रहा था वो मिथ्यात्व का वमन हुआ, उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया और उसके बाद उनका जो भी प्रत्येक भाव है वह सब श्रेष्ठ पर्याय को प्राप्त होते गए। वे चक्रवर्ती भी अपने जीवन में बने, त्रिपस नारायण भी बने और अंत में जब नंद राजा के पर्याय में वो थे तो उस मनुष्य पर्याय में उन्होंने 16 कारण भावनाओं को, जो कि तीर्थंकर नाम कर्म के बंध की कारण है, ऐसे 16 कारण भावनाओं को भाग करके उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया था। और फिर सिद्धार्थ राजा के घर किश्वर रानी से जन्म लेकर के वे भगवान महावीर बने। हमारा कहने का इतना तात्पर्य है कि एक जीव किस प्रकार अपने जीवन में उत्थान और पतन करता है, अभी हमें ये पता नहीं है कि हम कब से संसार में हैं, लेकिन अनादि से है इस बात तो है। जब तक हम भगवान महावीर जैसा पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तीर्थंकरों जैसा पुरुषार्थ नहीं करेंगे, अन्य मुनिजनों का या अन्य सामान्य तीर्थंकर केवलियों का जैसा उन्होंने पुरुषार्थ किया उसका अनुसरण करके हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, रत्नत्रय प्राप्त नहीं होगा। अर्थात सम्यक दर्शन जो बीज है उस बीज को प्राप्त करके हम सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की आराधना करके इस संसार समुद्र से पार हो सकते हैं। और संसार समुद्र से पार होने के लिए आवश्यकता इस पंचम काल में इसकी है, सत्संग हम करें। सत्संग का मतलब इतना ही है कि महापुरुषों का, मुनिराजों का, संत पुरुषों का समागम यदि हम प्राप्त करते रहेंगे तो सुनिश्चित बात है कि हमें भी हमारे जीवन को उन्नत बनाने का मार्ग प्राप्त होता रहेगा
और उन्नति के मार्गों को प्राप्त करके हम भी एक दिन भगवान बन सकते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा में भी वही शक्ति है जो पुरुरवा भील की आत्मा में शक्ति थी और भगवान महावीर की आत्मा में शक्ति थी, वही शक्ति हम सब के भीतर, क्योंकि शरीर तो हमारा मंदिर है और इसमें देव आत्मदेव बैठा हुआ है, लेकिन हमने अभी तक अनादिकाल से शरीर की इस पर्याय को ही आत्मा मान रखा है या अपना जीवन मान रखा है। तो सबसे बड़ी बात तो यह कि हमारा मोह जो शरीर के प्रति है, उस शरीर के प्रति मोह और ममता का त्याग हमारे जीवन में बने और हम अपने शरीर को केवल मंदिर माने और इसमें विराजमान जो आत्मा है वही मैं हूं। और जब तक भगवान महावीर ने पुरोरा भील से लेकर जितनी पर्याय, वैसे तो 29 पर्यायों का वर्णन शास्त्रों में मिलता है, उन 29 पर्याय में उन्होंने क्या क्या किया और असंख्यात भावों में उन्होंने जो नरक और स्थान पर्याय प्राप्ति को तो अलग है ही। तो इस प्रकार भगवान महावीर के जन्म जयंती आप मनाते हैं, हम तो उसको जन्म कल्याण का दिवस कहना चाहते हैं। तो आप सब मनाते हैं और 2600 वर्ष से भी अधिक समय बीत गया है, भगवान महावीर का शासन चल रहा है। जब तक अगला प्रथम तीर्थंकर नहीं होगा तब तक भगवान महावीर का शासन रहेगा और इस महावीर भगवान के शासन में रह करके हम सब मिथ्यात्म, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, फिर बाद में मोह सबसे बड़ा शत्रु है, उसका त्याग करें, मोह छोड़े और मोक्ष प्राप्त करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आप सभी के लिए मंगल भावनाएं हैं कि आप सभी भी अपने जीवन का कल्याण करने के लिए गुरुजनों की संगति करके और मार्ग प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सार्थक कर सके। जय महावीर भगवान की।